अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे साथ है अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, ये हमारे गाइड हैं, हमें हमारे बड़े हैं, ये हमें उन्होंने बताया इधर लेके आए हैं। तो और मंसूर अली डायरीज़ के साथ हम अभी दोबारा हम हाज़िर हैं। तो ये एक और आबशार इधर जो कि मलक होटल के करीब है, मलक रेस्टोरेंट जी, काइंडली बताएं इस जगह के बारे में। इस जगह का ये स्कूल नाम है जगह का, जी जी, कश्मीर में ये चनारी से कोई 2 किलोमीटर आ गया, चनारी से 2 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर ये जलजले में ये ब्रिज जो था ये टूट गया था। अच्छा, जलजले में ये टूट गया था, उसके बाद ये दोबारा तामीर जो है ना हुआ है। अच्छा, दोबारा कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी, बने, और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, क्योंकि इधर जब आर्मी लात होते हैं, लात खराब होते हैं, इधर आर्मी जो है ना यहाँ पर डिफेंस लेती है। अच्छा, हाँ, तो हम इस वक्त बॉर्डर से कितने दूर है? 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर है हम। अच्छा, बॉर्डर से 9 किलोमीटर की दूरी पे आप, यहाँ पे फायरिंग वगैरह का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर लोग आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। चलो आगे चलते हैं जी, आए जी। ये सामने कौन सा पहाड़ है जी? ये पांडू पहाड़ है सामने। ये सामने पांडू पहाड़ है, पांडू पहाड़ वो ऊपर टॉप पे, टॉप पर, नीचे जो है ये गुजरबंडी है। ये जी अब्दुल लतीफ़ साहब ये जो हमें बता रहे थे, ये जलजले में ये जो पुल टूटा है, पुल टूट गया था, ये था जी, ये टूट पुल लगा हुआ था 1907 में जी जी, 1907 का पुल है, पुल था, और ये जलजले में ये डैमेज हुआ, ये 2005 में जो 2005 8 अक्टूबर 2005 को जलजला आया था, उसके बाद फिर ये अल्टरनेट ये इन्होंने बनाया, ये बनाया जो दो बनाया उसके, अच्छा दो बने हैं पुल दोनों। ये आगे रास्ता कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये आगे जा रहा है बॉर्डर को जा रहा है, चकोटी, चकोटी बॉर्डर जी, खलाना, आगे बहुत बड़ा गांव है खलाना का। अच्छा, आइए चलते हैं जी आगे। अब हम आबशार का क्या नाम है जी? जस्कूल। आए चलते हैं, देखिए बैठने के सिटिंग एरिया भी मौजूद है। वाह वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत आबशार है, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, हालांकि सर्दियों में आबशारों में पानी कम हो जाता है। क्या बात है इसकी, बैठने की जगह बनी हुई है इधर।
लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है, फैमिलीज आती हैं लोग इधर। उनकी बाकियात ये दोस्तों आज का हमारा व्लॉग था, जसकूल आबशार। चायनट पे फर्स्ट टाइम ये नाम चढ़ेगा, जसकूल आबशार। और ये चनारी से आगे और 9 किलोमीटर हमारे चकोथी बॉर्डर से पीछे की जगह है। तो यहाँ पे ज़रूर आए, विज़िट करें, और इधर आप फैमिली भी आ सकते हैं क्योंकि 9 किलोमीटर दूर है ये हमारे बॉर्डर से, चकोटी बॉर्डर से, इसलिए यहाँ पे फायरिंग वगैरह का कोई मसला नहीं है। और अगर आपको मैं दिखाऊँ ये सामने, ये जो सामने पहाड़ है ये हमारे पाकिस्तान के पहाड़ है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये टॉप पे पाकिस्तान की ये पोस्ट है, और इस साइड पर हमारी राइट साइड पर अगर आप देखें वीडियो की सामने के दरमियान में दरख्त सा नज़र आ रहा है, उसके पीछे जो पहाड़ है शायद वो इंडिया का पहाड़ है। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, आप इधर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, जो लोग कोहाला पुल पे आते हैं अगर वो इसको इंजॉय करना चाहते हैं, इस जगह को देखना चाहते हैं, व्लॉग अपना यूट्यूब पर फिराना चाहते हैं, तो 60-70 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ेगा, 70 किलोमीटर्स आपको आगे आना पड़ेगा, और आप इसको आराम से कैच कर सकते हैं और अपना व्लॉग आप बना सकते हैं। तो मंसूर अली डायरीज़ के साथ आज का व्लॉग हमने पेश किया। तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको वीडियो और ये हमारी जो व्लॉग आज आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।